शास्त्रों में वचन की बड़ी महत्ता है, और आपने पूछा कि रावण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे और बहुत सारे प्रौहित्य कर्म को भी खुद करते थे। देखिए, रावण संहिता में ऐसा वर्णन आता है कि जब भी किसी भी जातक ने, किसी भी यजमान ने कोई प्रार्थना, उस समय के यजमान कौन होते थे, सब सम्राट थे, सब राजाओं के पुत्र थे, राजा थे, जब भी किसी सम्राट ने रावण को निमंत्रित किया, उस बात के लिए उनको बुलावा भेजा कि आप शिव का अभिषेक हम कर दीजिए या शिव के लिए कोई पूजा कर दीजिए, तो उल्लेख मिलते हैं कि रावण ने उसका सम्मान किया, क्योंकि वो परम शिव भक्त था। रावण जैसा भक्त कोई होना बहुत मुश्किल है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में हमने देखा कि एक वहाँ भी एक दृष्टांत आता है कि कुछ जो इंद्र हैं और जो देवताओं के प्रमुख हैं, वो एक इस तरह के नीति नियम पारित करते हैं कि रावण को हम अंतर जो परिक्रमा है, एक इनर परिक्रमा होती है, एक बाह्य परिक्रमा है जिसको प्राय सभी यात्री करते हैं, कि इनर परिक्रमा है जो देवी देवता करते हैं, तो या कुछ ऐसे कैलाशी हो जाते हैं जो बहुत सारी कैलाश यात्राएं कर चुके हैं, उनको भी कभी कभी उसकी मान्यता मिल जाती है, लेकिन प्राय पिछले 25-30-40 सालों में इनर परिक्रमा की मान्यताएं सरकार ने नहीं दी हैं, ना चाइना गवर्नमेंट ने, ना तिब्बत ने, ना भारत सरकार कराती है उसको। तो उस परिक्रमा को करने के लिए जब रावण को रोका गया, तो कहते हैं कि रावण एक स्थान है राक्षस ताल, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा में थोड़ा पहले पड़ता है, तो वहीं पर बैठ करके रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की, जटाटवी गलज ज्वला प्रभा पावित स्थले गले वे लंबे लंबे तम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन, बड़ा अद्भुत स्रोत है, 17 पद उन्होंने वहाँ बैठ कर लिखे, और वर्णन आता है शास्त्रों में कि भगवान शिव को वहाँ प्रकट होना पड़ा, अवतरित होना पड़ा, तो वहाँ वो प्रकट हुए। तो भगवान शिव से साक्षात जो डिसाइपल्स, जो उनके शिष्य या उनके प्रौहित्य या उनके आचार्य मिले हों, ऐसे में रावण सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वोपरि थे। तो उल्लेख आता है कि रावण, जब ये पूछा गया कि रावण क्या इस अभिषेक को कर सकते हैं, रामेश्वरम में श्री राम ने जब चढ़ाई की योजना बना ली और ये तय कर लिया गया, सुग्रीव ने इस बात की उनको परामर्श दिया और जामवंत ने कि आप रामेश्वरम में एक समुद्र का किनारा चुना गया जहाँ से लंका के लिए पुल बनाया जा रहा था, वहीं बैठकर एक रेती से, समुद्र की रेती से वहाँ लिंगम का निर्माण किया गया, और ये कहा गया कि अब इसका विधि विधान के साथ, पूरा रुद्री पाठ के साथ अभिषेकम होना चाहिए, और अभिषेकम की जितनी वस्तुएं हैं वो सब ला करके हम इसका अभिषेक करें। तो ये चर्चा हुई कि भाई कौन इस समय इसका अभिषेक करा सकता है, कौन दुनिया में, विश्व में, इस समय ब्रह्मांड में कौन सर्वश्रेष्ठ प्रौहित्य कर्म करने वाला है। तो विभीषण ने ये परामर्श दिया कि रावण ही कर सकता है। तो श्री राम, उल्लेख आता है कि श्री राम इस बात पर मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि रावण के पराभव, रावण की पराजय के लिए ही तो मुझे अनुष्ठान करना है, तो रावण इसमें कैसे आ सकता है। तो विभीषण कहते हैं कि वचन का बड़ा पक्का है, और भगवान शिव की पूजा के लिए तो दौड़ा चला आता है, भगवान शिव की पूजा अगर कहीं हो रही होगी तो मना नहीं करेगा। तो फिर वो बात हुई और उसका न्योता लेकर के, न्योता भेजा गया रावण के पास, और कहते हैं कि रावण ने न्योता स्वीकार किया और वो पूजन के लिए उपस्थित हुए रामेश्वरम में, और आकर के वो कहते हैं कि श्री राम से कि आप का क्या मंतव्य है, किस लिए आप पूजन के लिए पधारे हैं। तो कहते हैं मुझे लंका विजय करनी है, और लंकाधिपति से ये बात कह रहे हैं, उसके स्वामी से ये बात कह रहे हैं कि मैं लंका को विजेता के रूप में उसको विजित करने आया हूँ, चूँकि मैं, वो कहते हैं आपका क्या विषय है, किस लिए आप ये करना चाहते हैं, जानते हैं दोनों एक दूसरे के विषयों को, लेकिन देखिए वार्ता का क्रम और उसका आयाम देखिए, जो शास्त्र में वर्णन आता है कि एक अनुशासन की, एक शील की, एक संस्कार की गरिमा और ऊंचाई देखिए, कि पता है सब बात, फिर भी वो कहलवा रहे हैं मुख से, क्योंकि पौरोहित्य कर्म में बहुत सारी बातों को उच्चारित कराया जाता है, कहलवाया जाता है। तो वो कहते हैं कि आप शादीशुदा हैं, कहते हैं हाँ मैं शादीशुदा हूँ। बोले आपकी पत्नी का नाम, बोले मेरी पत्नी का नाम जनक की पुत्री हैं सीता, और वो इस समय कैद हैं लंका में। तो कहते हैं बिना पत्नी के, चूंकि आप विवाहित हैं, आपका संस्कार नहीं किया जा सकता, आपका ये पूजा पाठ नहीं किया जा सकता, उनको बैठाना ज़रूरी है। तो कहते हैं वो आप ही के चंगुल में हैं, आप उनको लेकर आइए। और उल्लेख मिलता है, देखिए जिस सीता को पाने के लिए पूरे संघर्ष की परियोजना की जा रही है, सीता को लेकर के पुष्पक विमान 10,000 वर्ष पुरानी गणना रामायण की है,
जो कार्बन डेटिंग जो जो इतिहासविद हैं वो कहते हैं 10,000 साल पहले रामायण हुई, पुष्पक विमान, ऐसा विमान जो हंस, जिसको जिसको जो राजहंस थे जो मानसरोवर में मोती चुनते हैं, और जो उनकी एक विशेषता है कि उनके सामने आप पानी में दूध मिलाकर रख दीजिए वो दूध दूध पी लेते हैं, पानी पानी छोड़ देते हैं, उन हंसों से 16 हंसों का एक विमान था जिस पर रावण बैठ करके हवाई यात्रा करता था। राइट ब्रदर्स ने तो 125 साल पहले हवाई जहाज का आविष्कार किया, और हम कहते हैं हवाई जहाज का आविष्कार 125 साल पहले हुआ, लेकिन 10,000 साल पहले शास्त्रों में इस बात का वर्णन है। और मैक्स मुलर ने, जर्मन के पूरे विद्वानों ने 500 साल पहले इस बात को स्वीकार किया कि भारत में ऐसी कोई चीज़ थी जिस पर बैठ करके हवाई यात्राएं होती थी। रावण पुष्पक विमान पर बैठाकर सीता को लाते हैं, पूरा अनुष्ठान होता है, और अनुष्ठान के बाद वो कहते हैं कि आपका संकल्प, आप संकल्प कीजिए, संकल्प सिद्धि कराई जाती है। अनुष्ठान के प्रारंभ में संकल्प लिया जाता है, बाद में संकल्प सिद्धि होती है। वो कहते हैं आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो। तो राम मन मन में मुस्कुराते हैं कि मेरी इच्छा तो तुम्हारा वध है। और आप देखिए वो उसकी पूर्णता का, ये एक ब्राह्मणत्व की, एक ब्राह्मण के वचन की गरिमा देखिए। या ब्राह्मण का मतलब मेरी किसी जाति समुदाय से नहीं है, ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म के अणु को का तत्ववेत्ता है, जो ब्रह्म के अणु का ज्ञानी है, जो ब्रह्म को जानता है, परमात्मा के संज्ञान को इसने सन्निहित किया है अपने ज्ञान के परिकोष्ठ में, वो व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। तो रावण ने किस बात का वचन दिया, एक अपने अभीष्ट की, अपना जो इष्ट देव है उसकी पूजा का वचन नहीं ठुकराना है, भले ही चाहे मृत्यु का संस्कार क्यों ना हो जाए। ऐसे उल्लेख दुनिया में कहीं नहीं मिलता कि कोई भी कितना बड़ा और शक्तिशाली सम्राट ऐसी जगह ऐसे अनुष्ठान में बैठा हो जो उसी के पराजय के लिए किया जाता हो। तो ये बात आपने सुनी है, मैंने इसको बहुत सारी पुस्तकों में, बहुत सारे ग्रंथों में इसका पारायण किया। तो ये बात आपने प्रश्न पूछा, तो प्रत्युत्तर में ये अनुभव मैंने आपसे शेयर किया। आर्यं शरणं शुभमस्तु।